नमस्कार, आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर तक नहीं पहुंची, यानी कनिष्ठा उंगली का जो गुण है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर ऐसा स्पॉट नज़र नहीं आ रहा जिसके कारण मैं अपगुण कहूँ, तो वो यहाँ बुद्धि भी ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है, लोगों से मिलना जुलना बात करने का तरीका भी आपके पास में ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो आपके ये वाले गुण हैं, तीनों के तीनों विराजमान हैं, परंतु सूर्य के पहले पर्व तक जब व्यक्ति की उंगली नहीं पहुंचती, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के उसके जीवन के अंदर अस्थिरता जरूर आती है, यानी उसके व्यापार में या उसकी नौकरी में, उसके काम में। अब बात करते हैं यहाँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब यश और सम्मान की बात करता हूँ, तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ किसी भी प्रकार के उंगली के अंदर ये नज़र नहीं आता कि आपके किसी यश मान सम्मान के अंदर कोई भी कमी यहाँ पर आपके हाथ के अंदर नज़र नहीं आती। तो ये अपने आप में, यहाँ पर यश मान सम्मान की बात करें तो यश मान सम्मान की कहीं से भी कोई यहाँ अवगुण मुझे नज़र नहीं आता है। इस तिल के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे। तो यश मान सम्मान की उंगली पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है। तो यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन यदि सामान्य स्थिति में है तो सामान्य स्थिति में रहता है, यानी उसके नीचे डाउन कभी नहीं जाता जिस स्थिति में व्यक्ति आज की स्थिति में है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये तीसरा जो पर्व है जिस पर आपका ये काला तिल है, जो आपका सवाल है कि मेरे जो है यहाँ पर एक जो है राइट हैंड में एक काला तिल है, इसका तिल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये काला तिल आपको बता रहा है आप जीवन में सावधान रहिए, क्योंकि आपको जीवन में निश्चित रूप से अगर आपका पैसा आपने किसी को दे दिया, या आपने किसी शेयर मार्केट में या किसी जगह किसी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आएगा नहीं या इतना घाटा हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा उसमें अपना आपको पछतावा का सामना करना पड़ेगा। एक बात, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भी विवादों का सामना। और तीसरी बात यह है कि जीवन में धन का संघर्ष व्यक्ति का बना ही रहता है। तो ये तीनों स्थितियां इस काले तिल का कारण मानी जाती हैं। स्वास्थ्य के रूप से ये अपने आप में कोई परेशानी नहीं दे रहा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, श्रद्धा भगवान की स्थिति के लिए जानी जाती है, पत्नी संतान सहयोग के लिए जानी जाती है। चारों के चारों गुण इस उंगली के ऊपर यहाँ पर विराजमान हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर ये तीन चार रेखाएँ जो कुछ शीर्णता के साथ खड़ी है, यानी बहुत मजबूती के साथ नहीं है, परंतु ये वो स्थिति है जो कैसी भी स्थिति क्यों ना सही व्यक्ति के पास थोड़ा वो धन के आगमन निश्चित रूप से हमेशा बने रहते हैं, यानी धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और एक तरफ या नीचे की तरफ पूरा एक दूसरे को काटने वाली इस क्रसिस रेखाएँ मौजूद हैं। उसके बाद में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित क्षेत्र है, कई क्रॉस बनते हैं साइड में, यानी कि भाग दौड़ और उसके बाद भी धन की प्राप्ति ना होना, उसके बाद भी सम्मान प्राप्त ना होना, राज्य सरकार के क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ से लाभ ना मिलना, राज्य सरकार की नौकरी मिल जाए तो ऐसी मिले कि जीवन का यापन का पूरा खर्चा ना निकले, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला आपका सूर्य का पर्व है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा धन के पर्व की। धन के पर्व का एक सूत्र बहुत शानदार है, अगर एक रेखा भी व्यक्ति के पास ऐसी खड़ी मिल जाए और ये जीवन भर इसी प्रकार से रहे, तो स्थिति व्यक्ति की कितनी भी खराब क्यों ना सही व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छे सिंबल है, अगर ये जीवन भर इसी प्रकार से बना रहा तो कभी किसी के पास में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके ये यहाँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर मंगल से रेखा निकल करके जब खड़ी हो जाए तो व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है, कई बार पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मकान के रूप में मिल जाती है। इस प्रकार की स्थिति, साथ ही साथ आपके पास संतान का सुख सहयोग और पत्नी का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा।
अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुछ रेखाएँ गिरने वाली, कुछ उठने वाली, कुछ गिरने वाली, कुछ उठने वाली, यानी इस प्रकार से जब चलें तो कभी स्वास्थ्य ठीक रहता है, कभी पेट खराब रहता है, कभी कुछ छोटे मोटे रोग व्यक्ति के जीवन के अंदर लगे रहते हैं, ऐसी स्थिति को दिखाने वाली स्थिति। साथ ही साथ हृदय रेखा बिल्कुल पर बृहस्पति पर्वत को देख रही है। मन के अंदर किसी भी प्रकार के विकार विचार बुरे नहीं व्यक्ति रखता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ से आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं हैं आपकी मंगल पर्वत की रेखाएं। मंगल पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं आवश्यक मानी जाती हैं। ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति हाथ में हाथ धरकर सपने देखता है अपने जीवन के अंतर्गत। यहाँ पर ये सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं है, कर्म करने वाला व्यक्ति है। मेरे सामने इनके पास ये रेखाएं मौजूद हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं जो कर्म करते हैं और कर्म के द्वारा यात्राएँ भाग दौड़ धन प्राप्ति ये सब चीज़ करते हैं। इनसे निकलने वाली इन रेखाओं का मतलब इस प्रकार जाना जाता है। अब बात करता हूँ आपकी मैं यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ से चल कर के लगातार ये जाती हुई इस प्रकार से रेखा, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा पूरी तरीके से यहाँ पर यदि देखूँ तो अपने आप में अनुकूल है। आप अपने आप की मनोशक्ति को बनाए रखते हैं, आप कर्म में लगे रहते हैं, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, कोई मानसिक रोग नहीं होंगे, इस प्रकार की जहाँ कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं। परंतु आपकी जो व्यापारिक रेखा है वो यहाँ से बहुत सारे टुकड़ों के रूप में ये रेखाएं यहाँ जा रही हैं। यहाँ इनको प्रगति रेखा बोलते हैं कुछ लोग राहु रेखाएं बोलते हैं, कुछ लोग इनको बोलते हैं यहाँ पर व्यापारिक रेखा। कुल मिलाकर जो भी हैं वो टुकड़ों में है। जब टुकड़ों में जाकर के शुक्र पर्वत से निकल करके इस प्रकार से क्षेत्र से जाकर बुध पर्वत तक रेखाएं पहुंचती हैं, व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराती हैं। यहाँ से रेखाएं निकल करके और सीधा सीधा बुध पर्वत तक भी प्रवेश कर रही हैं, यानी आपके व्यापार के अंदर आपको बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत भागदौड़, बहुत टेंशन, ये सब चीज़ें वर्तमान की स्थिति में बनी हुई हैं। और ये रेखाएं कम से कम मैं समझता हूँ 2 साल तो और भी आपके जीवन में बनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आजीवन बनी रहें, तो ये मिट भी जाती हैं और मिट गई और दो ही रेखा खड़ी या एक रेखा बेहतरीन सी व्यापारिक रेखा के रूप में खड़ी रह गई तो आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। आइए बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यहाँ पर कोई बहुत बड़े रोग चोट के संकेत भी नहीं हैं। इसके बाद चंद्र पर्वत है, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत खाली है, किसी प्रकार का मानसिक रोग का भी यहाँ पर कोई योग दिखलाई नहीं पड़ रहा, तो मानसिक रूप से भी मजबूती है। आइए बात करता हूँ अब आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा ये कुछ इस तरह की रेखाएँ हैं, ये सा थोड़ा सा इनको कह सकते हैं कि ये चंद्र पर्वत से निकल रही हैं तो भागदौड़ कराती हैं। इसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत से निकल करके दूर स्थान से जब भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति का व्यापार 3 तरीके का हो सकता है। यहाँ क्योंकि लगभग नीचे से आ रहा तो कई बार देखने में आता है व्यक्ति को पारिवारिक पैतृक व्यापार भी मिलता है, तो कुल मिलाकर के उस व्यापार को ही जिसको आप आज की तारीख में कर रहे हैं, कृपया करके उस व्यापार को कभी ना बदलें वरना आप और सड़क पर आ जाएंगे। ये रेखाएं लगातार चल करके जा रही हैं, इनको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा है, यानी इतना आसान नहीं है आपके जीवन के अंदर आपको अपना जीवन चलाना, यानी संघर्ष आपके जीवन में काफ़ी कुछ रूप से बना हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत आगे तक रेखाएं जब काट रही हैं तो उनको बोलना ज़्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि वो अगर रात में बाद में रेखाएं मिट गई तो उस वर्ष में आपके जीवन की ज़्यादा उन्नति तरक्की शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी राहु रेखाएं जब वर्तमान में दिख रही हैं तो बहुत ज़्यादा अड़चने आपके व्यापार के अंदर हैं, परंतु फिर भी भाग्य रेखा जिस रूप में चल रहा है जो काम उसको करते रहिएगा। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ मंगल से शुक्र पर्व के अंदर जाने वाली रेखा। जब शुक्र पर्व तक जाती है रेखा तो अपने चरित्र के प्रति सावधानी, किसी भी ज़्यादा संसाधन की तरफ आकर्षित होकर के भारी नुकसान न उठा लें, इस बात का ध्यान रखें। कोई आकर्षण के प्रति आप आकर्षित ना हो और उससे नुकसान उठा सकते हैं, ऐसा संकेत यहाँ पर दिखता है। आइए शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, कुल मिलाकर के जो व्यक्ति के पास सामान्य रूप से संसाधन हैं वो साफ यहाँ पर बने हुए हैं। संतान रेखाएँ भी आपके हाथ के अंदर 2 से 3 चमक रही हैं, यानी संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। आयु रेखा की बात करता हूँ, ये आयु रेखा और जाकर के लगभग 75 वर्ष तक पहुँच गई है, तो किसी भी प्रकार से आयु रेखा इससे ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं रहने वाली है।
तो सारी रेखाएं, पर्वतों, सब चीजों के बारे में बताया। अब बताने वाला हूं आपके सवाल के जवाब, कब तक मैं अच्छा मनी कमा पाऊंगा। देखिए सर, मैंने आपको बताया था आपकी उंगलियों को देख करके कि आपके जीवन में जिस स्थिति पर आप हैं, इससे नीचे कभी नहीं जाएंगे। बहुत आगे तक राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, लेकिन मुझे मेरे अनुभव बताता है कि मैं आपको इतने आगे तक मुझको डराने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा, अभी 33 वर्ष की आपकी आयु है, और यहाँ यदि मैं देखूँ तो इसके बाद में अगर व्यापारिक स्थिति के हिसाब से, मजबूती के हिसाब से देखूँ तो 35 तक तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि बहुत ज़्यादा आपकी मजबूती होने वाली है। 87 का आपका जन्म है, उसके बाद में कुछ इस हो सकता है कि कोई राहु रेखाएं साइड वाली हट जाएं, तो मुझे बहुत अच्छा सही लग रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर ये लगभग 35 वर्ष के बाद, 36 वर्ष के बाद कुछ स्थिति अनुकूल होगी। बहुत अच्छी, मैं इतनी बोलूँगा कि कुछ रेखाओं ने वहाँ पर भाग्य रेखा को काट रखा है, और वो ऐसी आकस्मिक रेखाएँ हैं जो अचानक हट गई तो आपका भविष्य और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कुछ अच्छा जो अगर आप कहते हैं तो 35 के बाद लगता है। सेटल कब हो पाऊँगा, जहाँ आप जिस काम में हैं उससे आप अस्थिर ना हो, उसी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। अस्थिर अगर आप हो गए, क्योंकि 2 साल आपको हिला सकते हैं, तो आप पूरी तरीके से उसी काम की खोजबीन को अच्छी तरह से करिए। अगर उसने आपको नुकसान दिया है तो वही आपको फायदा भी देगी, और यदि वो पैतृक काम है तो बिल्कुल भी उसे ना छोड़िएगा। तिल के बारे में बता चुका, बाकी मुझे सब जानना है जो भी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कुछ भी आपके हाथ के अंदर है। मेरा बिजनेस कब तक शुरू होने के चांस हैं, आपका बिजनेस आपकी हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वैसे कहा कि 36 के बाद में आपका अच्छा योग है, जिस भी चीज़ का है तो कुल मिलाकर 36 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको संघर्ष है 2 साल तक, उसके लिए आप क्या उपाय करें यह मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यदि आपसे हो सके तो आप एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। फायर ओपल पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं दिखला सकता हूँ, आपके साथ तक पहुँचा सकता हूँ। अपने रोजाना व्यवसाय वाले स्थान पर आपको श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का नित्य पाठ करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कोई भी बाधा ना आए और आपका काम तेजी के साथ चलता रहे। इतना कीजिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। नमस्कार।